हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन सेल को, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीएससी नॉन मेडिकल फोर्थ सेमेस्टर या फिर ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर में आता है ये टॉपिक, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देखते हैं, कंसंट्रेशन सेल हम क्या कहेंगे। जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, वो ये है कि जो सेल होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो बड़े हैं। फर्स्ट वन इज द सेल, कितने प्रकार के? दो प्रकार के, दो प्रकार के सेल हम लोगों ने पढ़े हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, करंट हमें सप्लाई करना पड़ता है और रेडॉक्स रिएक्शन अक्कर होती है। इट मींस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केमिकल जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी यहां क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और इलेक्ट्रोकेमिकल में इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इन दो सेल के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है, प्लस टू में पढ़ते आए थे, आगे हम ग्रेजुएशन में पढ़ा। बट एक नया सेल आया था, इस नाम है कंसंट्रेशन सेल, कि हम कंसंट्रेशन सेल किसको कहें। कंसंट्रेशन सेल एक प्रकार से हो सकता है या तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, या वो हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, कुछ भी हो सकता है। हम उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि कंसंट्रेशन सेल क्या होगा, किस प्रकार से हम उसको डिफाइन करें। तो मैंने तीन एग्जांपल ले रखे हैं आप लोगों के सामने। तीन एग्जांपल कैसे हैं? पहला एग्जांपल है आपके सामने है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिंक और कॉपर का, जिसकी रिप्रेजेंटेशन है जिंक कन्वर्ट इंटू जिंक टू पॉजिटिव आयन, जिसकी कंसंट्रेशन A1 साल्ट ब्रिज के साथ वो सेपरेट आउट है, कॉपर टू पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन A2 है से कॉपर में, ठीक है। इन दिस केस क्या होगा कि जो एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो क्या है कि जिंक यहां पे डिसोसिएट हो रहा है, किसमें? जिंक टू पॉजिटिव आयन में। और कैथोड ये यहां पे क्या है, जिंक यहां पे किसका काम कर रहा है, एनोड का, और ये यहां पे किसका काम कर रहा है, कैथोड का, ठीक है। यानी कि एनोड के ऊपर जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन यहां इस साइड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव अप कर रहे हैं एनो टू कैथोड। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम एनो टू कैथोड एंड करंट इज पास थ्रू फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहां पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। जब मैं ओवरऑल रिएक्शन देखता हूं तो यहां पर क्या है, जिंक प्लस कॉपर चेंज इनटू जिंक प्लस कॉपर। यहां पे हम नर्नस्ट इक्वेशन यदि अप्लाई करें तो इक्वेशन क्या आएगी देखते हैं। नर्नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो ई सेल की वैल्यू आएगी इन दिस केस वो क्या आएगी, ई नोट सेल माइनस आरटी अपॉन 2F ln ऑफ, तो प्रोडक्ट में है ऊपर जेड इन टू पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन, कॉपर की कंसेंट्रेशन, अपॉन जिंक की कंसेंट्रेशन और कॉपर टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। जहां पे ई सेल की वैल्यू क्या है, ई नोट सेल की वैल्यू क्या है, दैट इज द ई नोट ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर माइनस ई नोट ऑफ जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक। क्यों? क्योंकि जिंक यहां एनोड, ये कैथोड, तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल। तो ई सेल की वैल्यू यहां से क्या आती है, दैट इज द ई नोट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन 2F ln ऑफ कॉपर। यहां पे कंसंट्रेशन सॉलिड में है, यूनिटी मान के चलेंगे, जिंक टू पॉजिटिव की कितनी है A1 है और कॉपर की कितनी है A2। तो ये वैल्यू अपनी यहां से निकल के आई। ये कब है, जब दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड है वो डिफरेंट हो, तब की बात है, तब उस केस में EMF जनरेट होता है, बिल्कुल होता है जी। बट यदि मान लो इन दिस केस भी जिंक इलेक्ट्रोड है और इस केस में भी जिंक इलेक्ट्रोड है, यानी कि एनोड पे भी जिंक है, कैथोड के ऊपर जिंक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल ले रखा हमने, यहां पे क्या कर रखा है, एनोड जो है ये, यहां पे एनोड पे भी क्या है, जिंक है,
और कैथोड पे भी क्या है, जिंक मेटल प्रेजेंट है। ओके, तो यहां पे एनोड के ऊपर जो रिएक्शन हुई है वो क्या हुई है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, जो जिंक था डिसोसिएट हुआ Zn2 पॉजिटिव आयन में। कितनी कंसेंट्रेशन है यहां से देख सकते हो रिप्रेजेंटेशन से, A1 कंसेंट्रेशन। ठीक है, कैथोड के ऊपर क्या हुआ, एट कैथोड के ऊपर क्या हुआ है जी, ये जो कॉपर है 2 पॉजिटिव, कितनी कंसेंट्रेशन, A2 कॉपर नहीं, यहां पे है क्या जिंक ही है, जो जिंक 2 पॉजिटिव आया था जिसकी कंसेंट्रेशन A2 थी, किसमें कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट किसमें होगा, जिंक में कन्वर्ट होगा। यानी कि जब मैं ओवरऑल यहां पे रिएक्शन देखता हूं तो क्या होगा कि जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है A2 से किसमें कन्वर्ट होगा, जिंक 2 पॉजिटिव आयन किसमें, A1। यानी कि जो जिंक आयन है, कौन सा जिंक आयन, जिसकी कंसेंट्रेशन A2 थी, वो कन्वर्ट किसमें हो रहे हैं, जिंक 2 पॉजिटिव जिसकी कंसेंट्रेशन A1 है। तो इस केस में अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन जो ई सेल की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, दैट इज द ई नोट ऑफ सेल माइनस आरटी अपॉन में 2f ln ऑफ, यहां प्रोडक्ट में क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव जिसकी कंसेंट्रेशन A1 है और यहां जिंक 2 पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन जिसकी कंसेंट्रेशन क्या है, A2 है। अगर वैल्यूज अगर मैं पुट करूं तो वैल्यू क्या आएगी, देखो ई नोट सेल की वैल्यू लिखते हैं पहले, ई नोट ऑफ सेल कैसे लिखी जाएगी, E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड। अब एनोड पे भी वही इलेक्ट्रोड है जो कैथोड के ऊपर है, यानी कि यहां पे क्या है, E नोट ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक माइनस E नोट ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा, 0। यानी कि इस केस में जो E नोट ऑफ सेल है वो क्या आया, 0। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि दोनों ही साइड एनोडिक एंड कैथोडिक साइड जो इलेक्ट्रोड है ना वो क्या है, सिमिलर इलेक्ट्रोड है। बट अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोड होता, जैसे यहां था जिंक और कॉपर, तो ई नोट सेल की कुछ ना कुछ वैल्यू रहती, बट यहां पे सेम इलेक्ट्रोड होने की वजह से क्या हुआ, जो ई नोट सेल की वैल्यू है वो 0 आ गई। ये वैल्यूज को पुट करते हैं, ई सेल की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहां से, माइनस आरटी अपॉन 2f ln ऑफ इसकी कंसेंट्रेशन A1 और इसकी कंसेंट्रेशन A2, ये वैल्यू निकल के आई। देखो केस क्या था कि दोनों ही इलेक्ट्रोड क्या थे, सेम थे, दोनों इलेक्ट्रोड सेम रहेंगे, बट यहां पे मैंने चेंज क्या कर दी, एनोडिक साइड जो जिंक सल्फेट था उसकी कंसेंट्रेशन A1 और कैथोडिक साइड जिंक सल्फेट की कंसेंट्रेशन क्या कर दी, A2। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन हमने यहां पे क्या कर दी, चेंज कर दी। तो यदि सेम इलेक्ट्रोड का कंसेप्ट है और कंसेंट्रेशन दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट की क्या है, डिफरेंट है, एक साइड A1 है तो दूसरी साइड कितनी है, A2। तो ऐसे केसेस में भी EMF का प्रोडक्शन होता है। वो EMF का प्रोडक्शन किस वजह से होगा, वो होगा A1 और A2 के कारण। यदि मान लो इफ इन दिस केस ये A1 और A2 बराबर, मैं कह दूं भाई इफ A1 इज इक्वल टू A2 हो तो क्या होगा, इन दिस केस ये जो इक्वेशन हो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज द ई सेल इज इक्वल टू माइनस आरटी अपॉन 2f ln ऑफ A1 अपॉन A1। यानी कि A1 अपॉन A1 को क्या लिख सकता हूं, माइनस आरटी अपॉन 2f ln ऑफ 1। ln ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यानी कि ई सेल की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से 0 आएगी। ई सेल की वैल्यू कितनी आएगी, 0। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रोड सेम है, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है और दोनों की कंसेंट्रेशन भी क्या है, सेम है। इलेक्ट्रोड की कंसेंट्रेशन भी सेम है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन भी यदि सेम होगी तो ऐसे सेल में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। बट यदि कंसेंट्रेशन में वेरिएशन कर दूं, चाहे वो कंसेंट्रेशन में वेरिएशन करो इलेक्ट्रोड की कंसेंट्रेशन में, या कंसेंट्रेशन में वेरिएशन कर लो इलेक्ट्रोलाइट में, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट की किसी भी कंसेंट्रेशन में एनोडिक साइड एक्स कंसेंट्रेशन है तो कैथोडिक साइड वाई कंसेंट्रेशन यदि मैं ले लूं तो उस केस में क्या होगा, ईएमएफ का प्रोडक्शन होगा। वो किस कारण से प्रोडक्शन होगा, ड्यू टू द चेंज इन द कंसेंट्रेशन, और इसी सेल को हम बोलते हैं कंसेंट्रेशन सेल। यानी कि एक ऐसा सेल जिसमें अगर कंसेंट्रेशन सेम हो तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन वहां पे नहीं होता, बट यदि मैं चाहे इलेक्ट्रोड की कंसेंट्रेशन में वेरिएशन कर दूं या इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन में वेरिएशन कर दूं तो उस केस में क्या हो जाएगा, ड्यू टू चेंज द कंसेंट्रेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट द ईएमएफ विल बी
प्रोड्यूस्ड, ईएमएफ वहां पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ईएमएफ वहां पे अपने को मिलने लग जाएगा। ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। यदि यदि इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन के कारण, जैसे अगला एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल कैसा था, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में वेरिएशन किया, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को हम क्या नाम देंगे, इस इलेक्ट्रोड को नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन के कारण चेंजमेंट आ रही, इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। बट अब के बाद दूसरा देखो, क्या हो रहा है, मैं उसमें भी लिखता हूं, ठीक है, उसमें भी लिखता हूं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो इस केस, यहां ये जो केस है, यहां पे भी दोनों साइड क्या है, इलेक्ट्रोड सेम है, यहां पे भी जिंक सल्फेट है, एनोड भी जिंक सल्फेट प्रेजेंट है और जिंक प्रेजेंट है, और कैथोड पे भी क्या है, जिंक सल्फेट और जिंक प्रेजेंट है। बट अब की बार हमने इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन क्या कर दी, सेम कर दी, और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में क्या कर दिया, सॉरी इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफर कर दी और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन हमने यहां पे क्या कर दी, सेम कर दी। तो देखते हैं उस केस में क्या होगा। देखो एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगी, एट एनोड, एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या हुई कि जो जिंक था जिसकी कंसंट्रेशन A1 थी, उसने अपने दो इलेक्ट्रॉन क्या किए जी, लॉस करी, इसकी कंसंट्रेशन C1 प्लस में, दैट इज द कितना आएगा, दो इलेक्ट्रॉन। कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगी, कैथोड के ऊपर होगी कि जो जिंक था, जिंक टू पॉजिटिव आयन था जिसकी कंसंट्रेशन C1 है, ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, जिंक का फॉर्मेशन कर देगा जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, A2 है। जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो यहां पे क्या हो रहा है, जो जिंक है जिसकी कंसंट्रेशन A1 है वो कन्वर्ट किसमें होगा, जिंक जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, A2। तो यहां पर यदि हम नर्नस्ट इक्वेशन अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू नर्नस्ट इक्वेशन, तो वैल्यू क्या आएगी, दैट इज ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आरटी अपॉन 2F ln ऑफ जिंक की कंसंट्रेशन जिसकी A2 है, यहां जिंक की कंसंट्रेशन जो कि A1 है। पुट कर देते हैं ई सेल, यहां पर भी ई सेल की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, क्योंकि दोनों के दोनों साइड जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है, सिमिलर है। तो यहां पे ई नोट सेल की वैल्यू भी क्या है, मैं लिख देता हूं ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू इन दिस केस भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहां पर जो ई सेल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दैट इज द माइनस आरटी अपॉन 2F ln ऑफ A2 अपॉन A1। यहां A2 क्या है, कंसंट्रेशन है जिंक इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड के ऊपर, एंड A1 क्या है, कंसंट्रेशन जिंक इलेक्ट्रोड एट द कैथोड, ठीक है। इट मींस यदि कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड की, एनोड और कैथोड के जो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है वो उस इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में अगर वेरिएशन है तो ई सेल की वैल्यू अपने को मिलेगी। बट यदि यहां पे A1 इज इक्वल टू A2 हो जाए तो वहां पे क्या होगा, किसी प्रकार की ईएमएफ का प्रोडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहां से देख सकते हो आप, मैं कह दूं भाई इफ A1 बराबर A2, ठीक है, तो क्या होगा, ई सेल की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज द माइनस आरटी अपॉन 2F ln ऑफ A1 बाई A1, यानी कि ln क्या बनेगा, 1, और ln 1 कितना होता है, 0, यानी कि ई सेल की वैल्यू वहां पर क्या आएगी, 0 आएगी। तो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, यानी कि इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन के कारण यदि ईएमएफ में चेंज होता है तो उसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो सबसे पहले डेफिनेशन कंसंट्रेशन सेल क्या होगी, कि व्हेन वी चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट आर चेंज, देन ईएमएफ इज ऑल्सो चेंज, दिस सेल इज नोन एज द कंसंट्रेशन सेल। दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। अब दोनों को ही डिटेल से अपने को करना है, देखते हैं क्या होगा, बने रहिएगा वीडियो के साथ। अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करें और दूसरों के पास शेयर करें, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो भी इसका फायदा, लुफ्त जो है उठा सकें, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कंसंट्रेशन सेल कितने प्रकार के होते हैं जी, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, सेकंड वन इज द इलेक्ट्रो
लाइट कंसेंट्रेशन सेल। एक एक करके देखते हैं दोनों को। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं इलेक्ट्रोड कंसेंट्रेशन सेल को। इलेक्ट्रोड कंसेंट्रेशन सेल एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन का केस ले लो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ये मान लो अपने पास एनोडिक कंपार्टमेंट है, ये कैथोडिक कंपार्टमेंट है, यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा हुआ है इस प्रकार से, बने रहिएगा वीडियो के साथ जरूर, देखते हैं क्या होता है। ये यहां पे साल्ट ब्रिज होता है, ठीक है, ओके। ये प्लेटिनम वायर है, नीचे प्लेटिनम फॉइल है, ये क्या है, पीटी फॉइल। दोनों ही कनेक्ट किससे साथ है, गैल्वेनोमीटर से, ओके। ये दोनों ही यहां पे गैल्वेनोमीटर की से कनेक्टेड है। यहां पे क्या है, प्लेटिनम फॉइल है, ओके। यहां पे HCl भरा हुआ है, सपोज करो HCl है, ओके। कंसेंट्रेशन HCl की C1 मान लेता हूं, यहां भी HCl भरा हुआ है, कंसेंट्रेशन में क्या मान लेता हूं, C1 मान लेता हूं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन यहां है सेम, बट यहां पे मैं हाइड्रोजन गैस पास करा रहा हूं, कितने प्रेशर पे, P1 के ऊपर, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, कितने प्रेशर पे, P2 प्रेशर पे, ठीक है। यहां ये साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज है जो कि एक्सेस कंसेंट्रेशन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। यहां ये है क्या, दैट इज द साल्ट ब्रिज, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें KCl सॉल्यूशन भरा हुआ है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है इसमें, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे जैसे सेल वर्क करेगा ना, वैसे वैसे ये तो मान लो एनोड है और ये क्या है, कैथोड है, राइट साइड कैथोड, लेफ्ट साइड एनोड। तो कैथोड के ऊपर होगा क्या, एनोड के ऊपर होगा क्या, कि जो हाइड्रोजन है ना, जिसकी कंसेंट्रेशन P1 है, जिसका प्रेशर क्या है, P1 प्रेशर के ऊपर वो एंटर कर रहा है, उसका वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। कैसे, कि ये जो है हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव में डिसोसिएट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन यहां कितनी है, दैट इज द 8, ठीक है। यानी कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो तो यहां पे क्या कर जाएगा जी, शिफ्ट कर जाएगा, किस डायरेक्शन में, कैथोड की साइड, ठीक है। एनोड के कैथोड के ऊपर क्या होगा, कैथोड के ऊपर क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव था यहां पे, ये जो H पॉजिटिव है जिसकी कंसेंट्रेशन, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे हाइड्रोजन जिसकी कंसेंट्रेशन P1 है वो डिसोसिएट हो रहा है H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन में, और यहां H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या बना रहा है, हाइड्रोजन, जो कि क्या हो रहा है, रिलीज, कितनी प्रेशर पे, P2 प्रेशर पे, कितना प्रेशर पे रिलीज हो रहा है, यहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, इवोल्व कर रहा है, ठीक है, कहां, कितने के प्रेशर पे, P2 प्रेशर पे। तो यदि इस सेल की मैं रिप्रेजेंटेशन करूं ना, तो रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी, ध्यान से देखना, पीटी H2 P1 कन्वर्ट किसमें, H पॉजिटिव में कंसेंट्रेशन C1, 10 साल्ट ब्रिज का सिंबल, H पॉजिटिव C1 कन्वर्ट किसमें, दैट इज द H2 P2 प्रेशर के ऊपर एट प्लेटिनम। ये यहां इसकी क्या रहेगी, रिप्रेजेंटेशन। ये यहां कितना जो पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोड के ऊपर जो था वो, और ये जो पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिडक्शन, यानी कि जो कैथोड के ऊपर है वो। तो एनोड और कैथोड के ऊपर रिएक्शन देख लिया, क्या होती है क्या नहीं, एनोड के ऊपर होती है हाइड्रोजन चेंज इनटू H पॉजिटिव, कैथोड के ऊपर H पॉजिटिव चेंज इनटू हाइड्रोजन। यदि मैं दोनों ही केसेस में EMF लिखना चाहूं तो क्या लिखा जाएगा, देखो एनोड का EMF लिखता हूं, एनोड का EMF क्या होगा, यहां लिख देता हूं नीचे, E ऑफ एनोड लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रनर्स इक्वेशन। कैसे लिखा जाएगा, E ऑफ H पॉजिटिव टू H2
बराबर किसके रहेगा, दैट इज द ई नॉट ऑफ एच पॉजिटिव टू एच टू, ठीक है, माइनस आर टी अपॉन एफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितना काम आ रहा है एक, तो यहां इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वन एल एन ओ। अब मैं लिख रहा हूं रिडक्शन पोटेंशियल, और रिएक्शन क्या है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिएक्शन कैसी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये यहां पर कैसी रिएक्शन है दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन। लिख रहा हूं रिडक्शन पोटेंशियल और गिवन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इन दिस केस जो रिएक्टेंट होगा ना वो तो लिखा जाएगा ऊपर, यानी कि यहां क्या लिखा जाएगा एस टू की कंसेंट्रेशन कितनी पावर पर हाफ, क्योंकि यहां हाफ स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन है, अपॉन एक्स पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन, तो ये वैल्यू कितनी आएगी यहां पे अपने को पता क्या है, एक तो एच पॉजिटिव ई नोट की वैल्यू पता है, ई नोट ऑफ एच पॉजिटिव टू एच टू कितना है जीरो है, ठीक है, दूसरा क्या पता है कि एच टू की कितनी कंसेंट्रेशन है दैट इज कंसेंट्रेशन है पी वन, ठीक है, एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कितनी है यहां पे एच पॉजिटिव सी वन है, एच पॉजिटिव कितनी है सी वन, यहां की यहां ले लो सी, तो ये जो वैल्यू आएगी ना इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की ई ऑफ ए की वो वैल्यू कितनी आएगी यहां पे वो आएगी दैट इज द माइनस आर टी अपॉन एफ एल एन ऑफ पी वन की पावर हाफ अपॉन सी वन, ये यहां पे एनोड पे रिडक्शन पोटेंशियल आया है। सिमिलर कैथोड पे देखते हैं, कैथोड पे ई ऑफ कैथोड क्या होगा, ई ऑफ कैथोड यहां पे क्या होगा वो वैल्यू और मेरे को फाइंड आउट करनी है, देखते हैं ओके। ई ऑफ कैथोड, ई ऑफ कैथोड का मतलब ई ऑफ एच पॉजिटिव टू एच टू निकालना है, इन दिस केस देखो रिडक्शन रिएक्शन गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है अकॉर्डिंग टू नर्नस्ट इक्वेशन, कैसे लिखा जाएगा E नोट ऑफ एच पॉजिटिव टू एच टू माइनस आर टी अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा एफ एल एन ओ, अगर रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहा हूं और रिडक्शन रिएक्शन गिवन है तो जो प्रोडक्ट में है वो ऊपर, जो रिएक्टेंट में है वो नीचे, यानी कि यहां क्या आएगा एस टू की कंसेंट्रेशन हाफ अपॉन एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन। इन दिस केस जो वैल्यू है ई नोट ऑफ एच पॉजिटिव टू एच टू उसकी वैल्यू कितनी है जीरो है, साथ में एच टू की कंसेंट्रेशन कितनी है पी टू है, साथ में एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कितनी है यहां पे एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कितनी है दैट इज द सी वन कंसेंट्रेशन है, तो ई ऑफ सी की वैल्यू क्या आएगी यहां से, ई ऑफ सी की वैल्यू आएगी क्या यहां पे देखते हैं माइनस, ये तो वैल्यू जीरो है लिखो चाहे ना लिखो, माइनस आर टी अपॉन एफ एल एन ऑफ यहां पे क्या एस टू की कंसेंट्रेशन कितनी है दैट इज द पी टू की पावर हाफ अपॉन एस पॉजिटिव कितना है दैट इज द सी वन, ये वैल्यू यहां पे निकल के आई, कैथोड निकल गया जी, एनोड निकल गया जी, ठीक बात है जी, कोई बात नहीं, एनोड पता लग गया कैथोड पता लग गया ई सेल की वैल्यू निकाल लेंगे निकालो, सो ई ऑफ सेल की वैल्यू क्या निकलेगी दैट इज द ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, कैथोड कितना है ये रहा माइनस आर टी अपॉन एफ एल एन पी टू की पावर हाफ अपॉन सी वन, और माइनस ऑफ माइनस आर टी अपॉन एफ यहां पे ये वैल्यू पुट करना है दैट इज एल एन ऑफ पी वन की पावर हाफ अपॉन सी वन, माइनस माइनस क्या हो गया जी प्लस, माइनस आर टी अपॉन एफ इन दोनों को सेपरेट कर देता हूं एल एन ऑफ पी टू की पावर हाफ प्लस एल एन ऑफ सी वन, ठीक है, माइनस माइनस प्लस आर टी अपॉन एफ इन दोनों को सेपरेट कर दो एल एन ऑफ पी वन की पावर हाफ प्लस सॉरी माइनस डिवाइड में है माइनस एल एन ऑफ सी ऑफ वन, ठीक है, ये वैल्यू अपनी निकल के यहां से आ रही है, और यहां पे क्या इसका सिंबल आएगा माइनस का क्योंकि डिवाइड में है, तो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं क्या आएगा माइनस आर टी अपॉन एफ एल एन ऑफ पी टू की पावर हाफ माइनस माइनस प्लस आर टी अपॉन एफ एल एन ऑफ सी वन प्लस आर टी अपॉन एफ एल एन ऑफ पी वन की पावर हाफ प्लस माइनस माइनस आर टी अपॉन एफ एल एन ऑफ सी ऑफ वन, तो ये वैल्यू तो क्या हो गई यहां से कैंसिल आउट, एक तो ये बच गई और एक ये टर्म बच गई, इन दोनों में से आर टी बाई एफ क्या है कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, माइनस भी कॉमन ले लेता हूं आर टी अपॉन एफ कॉमन ले लिया, यहां पर क्या बचा एल एन ऑफ पी टू की पावर हाफ पॉजिटिव बन गया और नेगेटिव क्या क्या बन गया माइनस ऑफ पी वन की पावर हाफ यहाँ पे क्या बन गया नेगेटिव बन गया, ठीक है, तो देखता हूं क्या वैल्यू आती है, मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूं साइड,
ठीक है, इस साइड रफ कर देता हूं, वैल्यू देखता हूं क्या आती है क्या नहीं आती है। तो देखो जो ई ऑफ सेल था, ई ऑफ सेल था वो वैल्यू क्या आई यहां से, देखो ई ऑफ सेल के केस में वैल्यू क्या आई है यहां से, माइनस आर टी अपॉन एफ। अब यहां पे मेरा वो फॉर्मूला पता है, एल एन ऑफ ए माइनस एल एन ऑफ बी, यानी कि एल एन ऑफ ए माइनस एल एन ऑफ बी, एल एन ऑफ ए अपॉन बी, यानी कि वैल्यू क्या आएगी, एल एन ऑफ पी टू की पावर हाफ अपॉन पी वन की पावर हाफ। पावर को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, माइनस आर टी अपॉन एफ, एल एन ऑफ पी टू अपॉन पी वन की पावर कितनी आ जाएगी, हाफ, हाफ आगे आ गया, दैट इज द ई सेल की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस माइनस आर टी अपॉन टू एफ पावर हाफ आगे, एल एन ऑफ पी टू अपॉन पी वन। ये कंसेंट्रेशन, इस कंसेंट्रेशन सेल में ई एफ ई आ रही है। यदि यहां पे, इफ यहां पे पी वन बराबर पी टू हो जाए तो जो ई सेल की वैल्यू आएगी क्या आएगी, दैट इज द माइनस आर टी अपॉन टू एफ एल एन ऑफ पी वन अपॉन पी वन, यानी कि माइनस आर टी अपॉन टू एफ एल एन ऑफ वन, यानी कि आंसर कितना आएगा, जीरो। यानी कि ई ऑफ सेल की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, अपने पास जीरो निकलेगी। मतलब अगर इलेक्ट्रोड की कंसेंट्रेशन अलग अलग है तो नेट ई एम एफ है, नेट ई एम एफ अपना यहां पे निकलेगा, गैल्वेनोमीटर जो है नेट वेरिएशन शो करेगा। बट यदि इलेक्ट्रोड की कंसेंट्रेशन सेम है तो उस केस में गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं मिलेगा, उस केस में जो ई सेल की वैल्यू है वो क्या मिलेगी, अपने को जीरो मिलेगी। तो ये था इलेक्ट्रोड कंसेंट्रेशन सेल, जिसमें इलेक्ट्रोड की कंसेंट्रेशन के कारण ईएमएफ का क्या होता था, प्रोडक्शन होता था। आई होप ये आपको समझ में आया है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इलेक्ट्रोड कंसेंट्रेशन सेल का, इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन सेल बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब की बार एग्जाम्पल लेता हूं मैं कॉपर का, मान लो एनोड साइड भी कॉपर हो और कैथोड साइड भी कॉपर हो तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। अब की बार मैं डायरेक्ट करूंगा, मैं एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल मैं नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, रेडॉक्स रिएक्शन लिखूंगा और रेडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग अर्नेस्ट इक्वेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहां एक एग्जाम्पल है कॉपर का, मान लो यहाँ पे A1 कंसेंट्रेशन है, कन्वर्ट होता है कॉपर टू पॉजिटिव में, जिसकी कंसेंट्रेशन C1 है, साल्ट विज का सिंबल, कॉपर टू पॉजिटिव जिसकी कंसेंट्रेशन C1 है, कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में जिसकी कंसेंट्रेशन क्या है, ये यहां की इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। बनाओ भाई, ये एनोड, ये यहाँ पे कैथोड, ये लो जी कॉपर हो गया, ये हो गया जी कॉपर, दोनों कनेक्ट किससे है, दैट इज द गैल्वेनोमीटर से, दोनों के दोनों क्या रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, ये भी क्या है, कॉपर है। यहां बस ध्यान रखना कॉपर की कंसेंट्रेशन कितनी है, A2, और यहां पे जो कॉपर है उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, दैट इज द A1 कंसेंट्रेशन है। दोनों में क्या लगा हुआ है, साल्ट ब्रिज, ये है क्या, साल्ट ब्रिज, ओके। यहां कॉपर सल्फेट भरा हुआ है सोल्यूशन, यहां पे पूरा का पूरा कॉपर सल्फेट जिसकी कंसेंट्रेशन C1 है, यहां भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिसकी कंसेंट्रेशन क्या है, C1 है। यहां पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है साल्ट ब्रिज में, कैसा भरा हुआ है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, लिख देता हूं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। रिएक्शन क्या होगी, देखो ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है, तो यहां लिखता हूं एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगी जी, एनोड के ऊपर रिएक्शन ये होगी जी कि जो कॉपर था जिसकी कंसेंट्रेशन A1 थी, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, ठीक है। ये लॉस हुए इलेक्ट्रॉन यहां इस वायर के थ्रू कहां चले जाएंगे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कैथोड की साइड शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है, कैथोड की साइड शिफ्ट कर जाएंगे। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे ये होगा जी कि जो कॉपर टू पॉजिटिव आयन, यहां पे जो कॉपर टू पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, कॉपर टू पॉजिटिव आयन वो यहां डिपॉजिट होगा दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, ठीक है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट किया और क्या बना दिया, दैट इज द कॉपर जिसकी कंसेंट्रेशन क्या है, A2 है। दोनों को कंबाइन करता हूं, रेडॉक्स रिएक्शन लिखता हूं, यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जहां पे रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी, दोनों को कंपेयर करो, दोनों को जोड़ दो, क्या आएगा, CU of A1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, चेंज इनटू CU of A2,
जब इस केस में आप नर्नेस्ट इक्वेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन, जो ई ऑफ सेल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, दो, एल एन ऑफ जो प्रोडक्ट में है वो ऊपर और जो रिएक्टेंट में है वो नीचे, यानी कि यहां ए टू क्या है ऊपर की कंसेंट्रेशन, ठीक है, कहां पे, कहां पे, कैथोड पे, और यहां ए वन क्या है कॉपर की कंसेंट्रेशन कहां पे, दैट इज द एनोड पे। अब दोनों ही इलेक्ट्रोड क्या है, सेम है, अगर इफ बोथ इलेक्ट्रोड आर सेम एट एनोड एज वेल एट कैथोड, तो उस केस में क्या होगा, सो जो ई नोट ऑफ सेल है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, क्यों, क्योंकि ई नोट ऑफ सी इज इक्वल टू ई नोट ऑफ ए रहेगा उस केस में, दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां पे ई सेल की वैल्यू क्या मिली अपने को, माइनस आर टी अपॉन टू है एल एन ऑफ ए टू अपॉन में ए वन, ये वैल्यू अपने यहां से फाइंड आउट हुई। अब इस केस में देखो, मैं कह दू मान लो इफ ए वन बराबर ए टू है, यानी कि ये तो इलेक्ट्रोड की कंसेंट्रेशन है वो सेम है, तो ई सेल की वैल्यू यहां से क्या आएगी, ई सेल की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो, क्यों मिलेगी, क्योंकि यहां पुट करोगे ई सेल की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस आर टी अपॉन टू एफ एल एन ऑफ ए वन अपॉन ए वन, यानी कि क्या मिला, माइनस आर टी अपॉन टू एफ एल एन ऑफ वन, और एल एन ऑफ वन की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो ई ऑफ सेल की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, जीरो, यानी कि अगर कंसेंट्रेशन सेम है, अगर कंसेंट्रेशन सेम है इलेक्ट्रोड की, तो किसी प्रकार का ईएमएफ यहां पे जनरेट नहीं होता। बट यदि कंसेंट्रेशन डिफर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो, यदि ए वन और ए टू की वैल्यू अलग अलग है, तो नेट ईएमएफ यहां से अपने को मिलता है, और इसी प्रकार के सेल को हम क्या बोलते हैं, कंसेंट्रेशन सेल, कौन सा, दैट इज द इलेक्ट्रोड कंसेंट्रेशन सेल, क्यों, इलेक्ट्रोड की कंसेंट्रेशन के कारण वेरिएशन शो हो रहा है ईएमएफ में, इसलिए हम इस सेल को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोड कंसेंट्रेशन सेल। सेम वे में इलेक्ट्रोलाइट, ये हम कल डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन सेल क्या होता है, यहां पे दो बात पढ़नी है, विद ट्रांसपेरेंस क्या होगा, विदाउट ट्रांसपेरेंस क्या होगा, वो जो भी सारी बातें हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब का बटन पे क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं उस वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, और आप उस वीडियो की हेल्प से अपना जो टॉपिक है, आपका जो कंसेप्ट है, उसको आप क्लियर कर सके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।